नमस्कार दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रिवीजन कोर्स हम लोग शुरू करते हैं तो रिवीजन कोर्स में जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग के पास है उसमें है कंटिन्यूटी इक्वेशन और फिर हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करेंट ये दो जरूरी टॉपिक हैं शुरुआत इसी से होती है और यही फाउंडेशन है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की जहाँ तक बात है तो हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी ऑफ चार्जेस कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर चार्जेस फ्लूड मैकेनिक्स में भी हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात आप ये जानें कि कंटीन्यूटी ऑफ जो चार्ज है जो इक्वेशन है ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ एक लॉ है कि टोटल चार्ज जो होता है सिस्टम में या यूनिवर्स में अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म में कहें तो उसमें एक कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है तो ये एक कंजर्वेशन लॉ है और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन लॉ है इसको थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है कंजर्वेशन लॉज में एक वीक कंजर्वेशन लॉ भी हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन लॉ है तो सवाल यह है कि व्हाट डू यू मीन बाई स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन लॉ तो जैसे एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये बहुत स्ट्रांगली ये बात नहीं कहता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है ये जो शर्त है इसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो वीक कंजर्वेशन लॉ कहलाता है कि पर्टिकुलर लोकेशन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी को हम कन्वर्ट होता हुआ देख सकते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी डिसअपियर करें तो किसी दूसरे पॉइंट पर हम एनर्जी को अपीयर होता हुआ देखते हैं तो एक जगह पर डिसअपियर हुई किसी दूसरी जगह पर वो अपीयर हुई अगर वो दूसरी जगह आप नहीं देख पा रहे हो आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक ही सीमित हो तो आपको उस जगह पर वो एनर्जी डिसअपेयर होती हुई दिखेगी तो आपको लगेगा कि यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी होल्ड नहीं कर रहा है बट एट द सेम टाइम वो यूनिवर्स में किसी दूसरी जगह पर अपीयर हो रही होगी तो इस तरह की वजहों से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी को एक वीक इफेक्ट एक वीक लॉ कहते हैं कंजर्वेशन का लेकिन जो आ, कंटिन्यूटी क्वेश्चन है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये किसी लोकेशन पर भी हमें बताता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं दे रिमेन कांस्टेंट दे रिमेन फिक्स ओके तो यही लिखा था एनर्जी कंजर्वेशन स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड द प्रॉपर्टी ऑफ लोकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी पर्टिकुलर जगह लोकल का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पर तो इट्स अ वीक स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन लॉ एंड बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या सजेस्ट कर रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी वॉल्यूम ऑफ स्पेस किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी वॉल्यूम ऑफ स्पेस कैन ओनली चेंज बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग इन और आउट ऑफ द वॉल्यूम थ्रू इट्स बाउंड्री इस वर्ड जो पूरी तीन लाइनें हैं इनको जरा ग्राफ डायग्राम के थ्रू समझें मान लीजिए कि हमने एक वॉल्यूम बनाया है ये हमारे पास एक क्यूबिक है ये एक वॉल्यूम है क्यूबिक वॉल्यूम शेप है यहाँ पर हमारे पास जिस जिसको कभी समझना है जिसका वॉल्यूम वी है तो हम ये कह रहे हैं कि जितने अमाउंट में इसके अंदर पर यूनिट टाइम चार्ज एंटर करेंगे उतने ही अमाउंट में पर यूनिट टाइम चार्ज इससे बाहर जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द स्पेस ओनली चेंज बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इनटू और आउट ऑफ द वॉल्यूम थ्रू इट्स बाउंड्री तो जितने भी इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर बदल रहे हैं टाइम के साथ वो बदलाव जो है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी वो आने वाली करंट लिखा है ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन इस बाउंड्री के अंदर जाने वाली इलेक्ट्रिक करेंट या इससे बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करता है तो कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है जितने चार्ज में जो भी बदलाव हो या तो करंट के आने की वजह से या करंट के जाने की वजह से है। तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ये इस बात को बता रहे हैं मान लीजिए कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी है जो रो आर टी लिखा है रो रो इज़ द सिंबल फॉर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आर क्या दिखा रहा है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन की हम बात कर रहे हैं जैसे अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें यहाँ हमारे पास वॉल्यूम है तो हम किसी पर्टिकुलर आर पर इस डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो रो इज़ फंक्शन ऑफ आर एंड टे टाइम टाइम के साथ उसमें बदलाव हो रहा है सो इन वॉल्यूम डी वी द चार्ज इज़ डी क्यू मान लो कोई छोटा सा वॉल्यूम इसमें हम कोई छोटा सा हिस्सा ले लें डी वी वॉल्यूम एलिमेंट और मान लो इसके अंदर जो चार्ज है वो डी क्यू है तो वही आपने लिखा है तो अगर डी क्यू बाई डी वी को आप डिवाइड करोगे तो चार्ज डेंसिटी आ जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ही चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पूरे वॉल्यूम पर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो अगर आप इसको पूरे वॉल्यूम पर इंटीग्रेट करोगे तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो क्यों दिखेगा जो रो टाइम डी का इंटीग्रेशन है इक्वेशन नंबर वन है ओके ऑल्सो बाई द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करेंट डेंसिटी करेंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं जैसे मान लो अगर जस्ट एक माने कि मान लो एक किसी सरफेस से करंट फ्लो कर रही हो तो बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे होंगे तो जहाँ से करंट फ्लो कर रही है आपने वहाँ पर एक छोटा सा एरिया मान लिया मान लो डी एरिया माना उस डी ए से अगर आपके चार्ज जा रहे हैं डी आई मतलब करंट फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम इसमें आ गया तो अगर यहाँ से करंट फ्लो कर रही है डी आई तो इस एरिया से अगर करंट फ्लो कर रही है डी आई तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे जे इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड में ए वेक्टर है तो राइट right साइड में हमारा ये डी ए जो होगा एक वैक्टर क्वान्टिटी होगी एज पर गॉस सजेशन एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी डील करते हैं इन वेक्टर कैलकुलस में तो अब यहाँ पर आप वही करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन इनका क्रॉस इनका जो प्रोडक्ट होगा वो करंट देगा जिसको कि हम स्केलर देते हैं तो दो वेक्टर क्वांटिटी जब डॉट प्रोडक्ट से आपस में जुड़ते हैं तभी उनका आउटकम जो होता है वो एक स्केलर आता है तो हमने इसको जे डॉट डी ए कर दिया और इस पूरे सरफेस पर जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास ये कोई किसी सरफेस की जो पूरी वैल्यू है इसकी इस क्यूब किसी से फेस की जो वैल्यू है वो अगर ए है तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया जे डॉट डी ए कर दिया आपने तो करंट मिल गया तो करंट की हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस इंट्रीग्रेशन जे डॉट डी ओके एक चीज यहां पर देखें हम ये मान रहे हैं कि जो करंट अगर करंट इनवर्ड आए अगर इस वॉल्यूम में करंट आ रही होती इनवर्ड तो हम उसको प्लस मानते और करंट यहाँ से जा रही है आउटवर्ड हो रही है तो इसको हम माइनस साइन देते हैं ये हमने नोटेशन मान लिया अपने पास तो जो करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री तो उसको हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो हमने करंट को माइनस साइन दे दिया इसको स्टेटमेंट इस क्या है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दैट द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द कंसिडर्ड बाउंड्री इस निगेटिव इसको हम देंगे तो अब आईजिकल टू माइनस सरफेस सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए आई जो होता है वो एक्चुअल में डी ए बाई डी टी होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर वन आ गया इस क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास क्यू की जो वैल्यू है वो रखने के लिए क्वेश्चन नंबर वन ऑलरेडी है जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर वन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है ओके okay. आप इस इक्वेशन नंबर टू में वो वैल्यू रख दीजिए तो आपने क्यू की वैल्यू वॉल्यूम इंट्रीगेशन रो टाइम डी कर दिया जे डॉट डी है और टाइम के साथ चूँकि टाइम का फंक्शन है तो आपने इसका टाइम डेरिवेटिव ले लिया अब देखो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास टोटल डेरिवेटिव है यहाँ हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है लॉजिक इसका सिंपल सा है बिकॉज रो इज़ फंक्शन ऑफ आर एंड टी बोथ दोनों का फंक्शन है बट इस पर्टिकुलर समय में हम उसका टाइम डिपेंडेंट ले रहे हैं तो हमने इसकी किसी पर्टिकुलर लोकेशन को फिक्स मान लिया तो आर की वैल्यू हमने कुछ फिक्स ही मान ली होगी इस वजह से हम यहाँ पर टोटल डिफ्रेंशिएशन ना करके पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं सिंपल सा लॉजिक है अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में देखो यहाँ सर्फेस इंट्रिगेशन है लेफ्ट साइड में वॉल्यूम इंट्रीगेशन है तो यहाँ पर हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करनी है जिसमें कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी सरफेस इंट्रीगेशन को वॉल्यूम इंट्रीगेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास जो क्वांटिटी जे है उसका डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा डे डेल डॉट जे आपने वो कंसिडर किया माइनस साइन को इधर एडजस्ट किया अगर आप देखें तो इस रिलेशन ये जो रिलेशन है इसमें लेफ़्ट साइड में भी वॉल्यूम इंट्रगेशन आ गया राइट right साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन आ गया और ये किसी आर्बिट्री वॉल्यूम के लिए फ़िक्स है हमने जो माना था शुरुआत में एक आर्बिट्री वॉल्यूम लेके माना था तो इसका मतलब है कि किसी भी आर्बिट्री वॉल्यूम के लिए अगर ये सही है तो इनके जो इंट्रीग्रेंड हैं यानी जिसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है जो टर्म है वो भी आइडेंटिकल होंगे वो भी कंपेयर किए जा सकते हैं तो दिस रिलेशन इज़ ट्रू फॉर एनी आर्बिटरी वॉल्यूम सो कंपेयरिंग इंटीग्रेंट ऑफ अबब इक्वेशन इनके इंटीग्रेंट को आप कंपेयर करिए तो इंटीग्रेंट को कंपेयर करोगे तो डे डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी आ जाएगा तो दिस इज द कॉल कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ चार्ज जो यही बता रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपके चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर एक सरफेस उस बाउंड्री से जहाँ आप ये देख रहे हो चेंज वहाँ से करंट आउटवर्ड निकल रही होगी तो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूम डेंसिटी चेंज हो रही है बट देर इज़ नो करेंट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं चार्ज वो वहाँ से फ्लो हो रहे हैं तो अगर फ्लो हो रहे हैं और वहाँ पर कुछ चार्ज डेंसिटी अगर मान लो मेनटेन्ड है इसका मतलब जितना इनवर्ड आ रहा है उतना ही आउटवर्ड जा रहा है एक फ्लो वहाँ पर जरूर होगा तो डाइवर्जेंस उस फ्लो उस स्प्रेड आउट बिहेवियर को यहाँ पर शो कर रहा है देखिए यहाँ पर अगर हम डेलरोल्टी इज इक्वल टू जीरो मान लें अगर डेलरोल्टी इस क्वांटिटी को जीरो मान लें यानी कि चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन स्पेस विद इन द वॉल्यूम रिमेन और जे माइनस डेल रो बाई डेल्टी है तो कॉन्टीन्यूटी क्वेश्चन फॉर चार्जेस है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखें अगर डेलरो बाई डेल्टी जीरो हो तो इसका मतलब है चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन स्पेस विद इन द वॉल रिमेन फिक्स टाइम के साथ वो फ़िक्स हैं तो इस तरह की इस तरह की कंडीशन को हम स्टडी स्टेट कहते हैं इस तरह की कंडीशन को हम स्टडी स्टेट कहते हैं कि टाइम के साथ वहाँ चार्ज डेंसिटी चेंज, तो चेंज नहीं हो रही तो अगर चेंज नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है वहाँ डेल डॉट जे हमारा जीरो होगा तो राइट right साइड अगर आपने जीरो कह दिया स्टडी स्टेट कंडीशन से तो लेफ्ट साइड आपका उस हिसाब से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओके नाउ लेट अस डिस्कस द मैक्स इक्वेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आप कह सकते हो स्टडी जो साइंस की फील्ड की है दिस इज द मैक्सल्स इक्वेशन जरा समझे इस बात को मैक्सल्स इक्वेशन क्या है टू रिप्रेजेंट द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिप्रेजेंट द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंसाइसली मैक्सवेल प्रपोज फोर इक्वेशंस मैक्सवेल ने बेसिकली क्या किया था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की जो स्टडी उनसे पहले हो चुकी थी उनके कुछ नियमों को उन्होंने एक साथ देखा उनको आपस में क्लब किया और उन चार इक्वेशंस को जिनको उन्होंने एक साथ इकट्ठा किया था उसको नाम दिया जाता है आज की डेट में मैक्सवेल्स इक्वेशन तो बेसिकली चार इक्वेशन चार अलग अलग तरह की अलग अलग लोगों के द्वारा की गई डिस्कवरी है बट मैक्सवेल ने उनमें एक यूनिफॉर्मिटी देखी उसमें कुछ करेक्शन किए और फिर उन्होंने उन इक्वेशंस की सहायता से एक स्टैब्लिश की थ्योरी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहते हैं जैसे देखें डेल डॉट ई इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू रो अपॉन अपलेंट नॉट रो इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस जो होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है दिस इज गॉस लॉ तो ये है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड का हम डेल डॉट बी मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर हम डाइवर्जेंस लें तो वो जीरो होता है इसको कई लोग कुछ किताबें इसको गॉस लॉ इक्वेलेंट गॉस लॉ फॉर मैगनेटो स्टैटिक कहते हैं ऑल दो इट इज़ नॉट अ वेरी वाइडली एक्सेप्टेबल नेम ओके थर्ड लॉ है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी दिस इज द फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन फराडे लॉ है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन का जो कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंड्यूज करेंट या इंड्यूज होता है दिस इज द फेराडे लॉ फोर्थ लॉ जो है दैट इज 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 डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम जे दिस द एम्पियस लॉ जो ये कहता है कि अगर कहीं करंट फ्लो कर रही है तो वहां पर उस करेंट फ्लोइंग के चारों तरफ एक एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको कि हम एम्पियर लॉ से डिनोट करते हैं याद रखें यहां पर जे है स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए एम्पियर ने ये लॉ डेवलप किया था तो उस समय उन्होंने कोई टाइम के साथ चेंज होने वाली फील्ड की बात नहीं सोची थी उन्होंने जस्ट स्टडी स्टेट कंडीशन में अगर कहीं करंट का एक कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है उस केस में इस तरह के लॉ को डेवलप किया था अब मैक्सवेल जब इन सारे लॉ को देखते हैं तो जो चौथा लॉ है इस पर उनका ध्यान जाता है वो कहता है कि तब क्या होगा अगर समय का बदलाव वहाँ पर हो समय का बदलाव अगर है क्योंकि आप थर्ड इक्वेशन को देखो थर्ड इक्वेशन में लेफ्ट साइड में तो कर्ल कंडीशन है लेकिन राइट साइड में टाइम डिपेंडेंट कंडीशन है डेल बी बाई टी है तो टाइम डिपेंडेंट कंडीशन है लेकिन इक्वेशन नंबर चार को देखो लेफ्ट साइड में कर्ल कंडीशन है बट राइट साइड में जो जे है ये एक स्टडी स्टेट करेंट डेंसिटी है मतलब ये वो स्थिति है जहाँ करंट जहाँ चार्ज समय के साथ नहीं चेंज हो रहे हैं उस वाली स्थिति में तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि एम्पियर लॉ में भी अगर हम टाइम डिपेंडेंसी वाली चीज़ सोचें तो क्या होगा कैसे मॉडिफाई होगी मैक्सवेल का यही सवाल था तो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन में एम्पियर डिराइव द रिलेशन फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन ओरिजिनली एम्पियर ने इसको स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए डिराइव किया था बट द क्वेश्चन जो कि मैक्सवेल कहते हैं तब क्या होगा अगर ये टाइम डिपेंडेंसी यहाँ आ जाए अगर टाइम डिपेंडेंट कंडीशन हो टाइम डिपेंडेंसी हो यहाँ पर समय के साथ बदलाव होने वाली फील्ड हो तब क्या होगा तो अब देखिए यहाँ पर तो जो ओरिजिनल एम्पियर्स लॉ है वो ऐसे लिख रहे हो डेल क्रॉस बीज इक्वल टू तो म्यू टाइम जे अब थोड़ी देर के लिए इसको हम इसका कर इसका डाइवर्जेंस ले लें इस इक्वेशन को दोनों तरफ डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आपने लेफ़्ट साइड में डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया राइट right साइड में डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया डॉट प्रोडक्ट है जो तो वैक्टर के साथ होगा तो डेल क्रॉस बी वैक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट है लिया तो अब देखो एक ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल आपने पढ़ा होगा वो ये कहता है कि अगर हमारे पास जो ब्रैकेट है उसमें दो वेक्टर एक जैसे हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो यहाँ पर डेल डॉट डेल क्रॉस बी ट्रिपल प्रोडक्ट के रूल से इसके अंदर डेल डेल बी इस तरह से होगा और चूँकि दो क्वान्टिटी एक जैसी हो गई क्वान्टिटी तो दिस विल बी जीरो तो ये लेफ्ट साइड जीरो हो गया राइट right साइड में क्या होता है डेल डॉट जे है हमारे पास जैसा कि दिख रहा है अब देखो जब लेफ्ट साइड जीरो है तो म्यू नॉट तो जीरो नहीं होगा क्योंकि म्यू नॉट तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जो कि कुछ वैल्यू रखता है तो आखिर में क्या आया डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो अब क्या हुआ अब इसका मतलब यह है कि ये जो एम्पियर लॉ है ये कि किस कंडीशन के लिए रखा गया है जब डेल डॉट जे जीरो जी जी हो और आप देखो यहाँ आपने पढ़ा है कि डेल डॉट जीरो अगर है तो इसका मतलब है कि ये एक स्टडी स्टेट कंडीशन की बात हो रही है तो जो अभी आपने वर्बली मैंने बताया कि दिस इज ट्रू फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन इसको आपने यहाँ पर प्रूफ होता हुआ देखा कि हाँ भाई डेल डॉट जे तभी हो सकता है जब डेल रो देल रो बाई टी जीरो हो यानी कि जब स्टडी स्टेट कंडीशन हो तो मैक्सवेल का कहना था कि अगर टाइम डिपेंडेंसी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे तो क्या करना होगा तो उनका सजेशन ये था कि पूरी की पूरी इक्वेशन को हमें पूरी तरह से खारिज नहीं करना है हमें इस इक्वेशन में करेक्शन करना है इसीलिए इस पूरी बिहेवियर को हम करेक्शन के रूप में देखते हैं ना कि रिप्लेसमेंट के रूप में उस तरह से देखते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई जब करंट डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट कोई चीज़ आ जाएगी तो उसका भी एक करंट डेंसिटी का टर्म आ जाना चाहिए तो उन्होंने एक करंट डेंसिटी का टर्म जस्ट फॉर दिस कंडीशन की अगर टाइम डिपेंडेंसी आ गई है तो क्या होगा वो उन्होंने यहाँ पर एड कर दिया तो ये जो हमारा जे है दिस इज द न्यूली इंट्रोड्यूस करंट डेंसिटी टर्म जो कि है, आप सोच सकते हो उस सिचुएशन के साथ जुड़ा होगा जब हम ये माने कि यहाँ टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर आ जाएगा अब देखो यहाँ पर समझे यहाँ गणित की हम विश्वास देखेंगे अगर टाइम डिपेंडेंट फील्ड मानने का कोई असर नहीं पड़ेगा एम्पियर लॉ पर सपोर्ज के लिए सोचो कि इसमें कोई असर होता ही नहीं मैक्सवेल थोड़ा ज़्यादा सोच रहे थे तो हम मैथमेटिक्स करेंगे और ऑलरेडी जे डी का वैल्यू जीरो आ जाएगी तो अगर जे की वैल्यू जीरो आ जाती तो ये बताता कि एम्पेयर की जो लॉ है वो स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए भी सही है अगर आप टाइम डिपेंडेंट कुछ मानोगे तो भी सही होगा क्योंकि हमने जब इंट्रोड्यूस किया उसमें कोई नया टर्म जो कि इस बात के लिए था कि टाइम डिपेंडेंसी होने पर क्या होगा उसका कोई असर नहीं आया तो हम इस टर्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं क्या इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है या नहीं तो क्या आती है वही प्रोसेस करेंगे प्रोसेस करने के लिए क्या है हमने एक नया टर्म जे डी एड किया उसका डाइवर्जेंस लिया लेफ़्ट साइड एज इट इज़ ट्रिपल प्रोडक्ट के लॉ से ज़ीरो हो गया राइट साइड में आपके पास डेल डॉट जे आ गया और डेल डॉट जे डी आ गया तो हमने डेल डॉट जे को डेल रो बाई डेल टी कर दिया अब चूंकि यहाँ एक सेकेंड टर्म बचा हुआ है इसीलिए दोनों का सम जो है वो जीरो है तो यहाँ पर किसी एक टर्म को हम जीरो नहीं कर सकते प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई एक जीरो या दोनों जीरो होंगे लेकिन सम के केस में ये लॉजिक काम नहीं करता तो आपने इसको थोड़ा दाएं बाएं एडजस्ट किया आप देखिए तो म्यू नॉट तो म्यू नॉट तो, तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट तो डेल डॉट जे डी बराबर क्या आ जाएगा आप यहाँ पर देखो आ, ये 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 हो जाएगा ये बेसिकली ऐसा होता है डेल रो बाई डेल टी अच्छा आप जरा देखें जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है इस फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन में रो की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो अगर आप डेल डॉट ई को एपसाइलन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो चलिए आप यहाँ पे वही करते हैं और यहाँ पर रो की जगह पर आप लिखते हो एपसाइलन नॉट डेल डॉट ई लिख देते हो आप अब जब आपने ये लिखा तो एपसाइलन नॉट तो कॉन्स्टेंट है तो उसको तो हम डॉट प्रोडक्ट के अंदर कहीं भी रख सकते हैं तो हमने वही किया डेल को इस तरह रखा और टाइम डेल बाई देल टी जो है वो ई के साथ अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज तो देख रहे थे हम लोग और एफसेल नॉट को उसके साथ रख दिया अब हमारे पास लेफ्ट साइड में है डेल डॉट जे डी राइट साइड में है डेल डॉट ये पूरा टर्म अगर हम दोनों को इक्वेट इक्वेट करें तो जे डी की जो वैल्यू है वो आ गई एप्साइलेंट नॉट डेल ई बाई डेल टी ये जो टर्म आया है ये वो करेक्शन है मतलब अगर टाइम डिपेंडेंट का रोल आप देखना चाहते हो मैक्सवेल इक्वेशन में तो उस समय आपको इस तरह का एक टर्म वहाँ पर दिखाई पड़ेगा तो अब इसका मतलब है कि जो इक्वेशन हमने मान के चले थे ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन में हमें जे डी की वैल्यू को ऐड कर देना पड़ेगा तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी डेल क्रॉस बी म्यू कॉमन ले लिया जे प्लस एप साइलेंट डेल ई बाई डेल टी इस टर्म को हिस्टोरिकली इसके कारण है कि इसको डिस्प्लेसमेंट करेंट टर्म कहा गया अब इस डिस्प्लेसमेंट करेंट टर्म कहा गया इसके कई सारे लॉजिक आप देखते हो आपने ट्वेल्थ पढ़ा है आप बहुत कुछ ऑनलाइन सर्च करो इधर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट करेंट इसलिए कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट करेंट उस कहा जाता है लेकिन एक्चुअल में मैक्सवेल ने इसको डिस्प्लेसमेंट करेंट क्यों कहा था क्या हुआ था मैक्सवेल जिस समय थे उस समय हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसी थ्योरी भी चल रही थी उनको सही माना जाता था जो कि समय के साथ आने वाले समय में गलत साबित हो गई तो मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी जिसको कि वो डेवलप कर रहे थे उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे 1861, सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री के लगभग वो अपना सारा काम कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने उसका मैकेनिकल इक्वेलेंट सोच रहे थे कि वो जो करेंट और ये सारा कुछ जो हो रहा था डायलैक्ट्रिक बिहेवियर जो कुछ भी सोच रहे थे उसको किसी मैकेनिकल प्रोसेस से उसको उसकी एनालॉजी देख रहे थे उसकी इक्वलेंस देख रहे थे तो उस एनोलॉजी में जहाँ वो डिस्प्लेसमेंट जैसे टर्म देखते थे मैकेनिकली जैसे हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं वैसा ही कुछ वो यहाँ पर भी सोच रहे थे तो हिस्टोरिकली मैक्सवेल ने उस एनोलॉजी के तहत उस समानता के तहत जो वो उसमें इस्टेब्लिस कर रहे थे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर और मैकेनिकल बिहेवियर में उसके तहत उन्होंने इस टर्म को डिसप्लेसमेंट करेंट टर्म कहा समय के साथ साथ वो इक्वलेंसी खत्म हो गई ईथर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया वो चीज़ें गलत साबित हुई या मॉडिफिकेशन बहुत हद तक हो गए लेकिन ये टर्म अभी भी हमारे साथ चला आ रहा है और हम इनको अलग अलग तरह से जस्टिफाई करते हैं डायलैक्ट्रिक थ्योरी पढ़ते हैं तो हम हाँ पोलराइजेशन में जब मॉलिक्यूल चार्ज औरिएंट डिसोरियंट होते हैं तो उससे जुड़ी हुई करेंट को हम लोग डिसप्लेसमेंट करेंट कहते हैं तो हमने इस करेंट इस टर्म को डिनाई नहीं किया बल्कि इसकी कुछ मॉडर्न समय में इसके कुछ लॉजिक ढूंढ लिए लेकिन अगर आप सच में जानना चाहें सोचें जा करके कि आखिर मैक्सवेल ने इस कर्म को डिस्प्लेसमेंट करेंट क्यों कहा इससे जुड़े हुए वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों कहा तो उसके लॉजिक आपको मिलेंगे कि उस समय मैक्सवेल जो हिस्टोरिकल थ्योरी चल रही थी उसके साथ वो अपना सामंजस्य बैठा रहे थे सो दिस इज दिस इज द करेक्शन ये करेक्शन था तो क्यों करेक्शन किया गया क्योंकि मैक्सवेल एम्पियर लॉ में उस टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर को देखना चाह रहे थे और साथ ही साथ वो देखना चाह रहे थे कि किस तरह से मॉडिफ़िकेशन होगा उस मॉडिफिकेशन का असर क्या होगा तो उस मॉडिफ़िकेशन के बाद ये आ गया तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई दिस इज़ कॉल्ड द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ इसको हम मॉडिफाइड एम्पियर लॉ कहते हैं सवाल आपसे पूछते हैं कि भाई मैक्सवल uh, इक्वेशन जो आपकी है उसके अलग अलग सिचुएशंस में उसका रूप कैसा होगा इसके बारे में बताएं देखें मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंट कंडीशन एक तो जो आपके सिलेबस में है फ्री स्पेस फ्री स्पेस मतलब एक ऐसी जगह जहां कोई चार्ज नहीं है कोई चार्ज का फ्लो नहीं है तो कोई करंट नहीं है तो आपने अगर फ्री स्पेस में रोज जीरो कर दिया माना तो आपका जे भी जीरो हो जाएगा इफ देर इज नो चार्ज नो चार्ज डेंसिटी तो चार्ज डेंसिटी रोज जीरो हो जाएगा जे विल ऑल्सो भी जीरो, भी जीरो तो आपके पास जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी दैट इज द गॉस लॉ उसमें राइट right साइड में जो रो था वो रो गायब हो जाएगा तो डेल डॉट ई बराबर जीरो आ जाएगा ठीक है उसी तरह से डेल डॉट बी जीरो तो पहले भी था डेल क्रॉस ही माइनस डेल बी बाई डेल टी पहले भी था और देखिए देखिए जो मॉडिफाई हुआ है मॉडिफिकेशन में चूंकि जे कोई करेंट डेंसिटी है नहीं कोई स्टडी करेंट चार्ज है नहीं तो जे आपका जीरो हो जाएगा अगर जे जीरो हो जाएगा तो सिर्फ ये टर्म बचेगा जो सेकेंड टर्म था जो कि मॉडिफाइड टर्म था जोड़ा गया था तो हमारी चौथी क्वेश्चन बिल्कुल राइट साइड साइड उसका जीरो होने से बच जाएगा बल्कि उसके अंदर एक डेली बाई डेल्टी के टर्म आ जाएगा अब फ्री स्पेस में देखो ये क्वेश्चन कितनी ज़्यादा सिमिलर सिमेट्रिक दिख रही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेल डॉट ई जीरो है तो गॉस लॉ में दिख रहा है डेल डॉट बी भी जीरो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन में कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल बी बाई डेल्टी है समथिंग टाइम डिपेंडेंट दिख रहा है यहाँ पर तो डेल क्रॉस बी वाली इक्वेशन में भी आपको टाइम डिपेंडेंसी राइट साइड में दिख रही है डेल्टा ई बाई डेल्टा टी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो इस तरह से फ्री स्पेस में इक्वेशन काफ़ी हद तक सिमेट्रिक हो जाती है अच्छा एक और सिचुएशन होती है कि अगर मान लो हमारा मीडियम नॉन कंडक्टिंग डायलेक्ट्रिक मीडियम है तो मैं इक्वेशन में क्या बदलाव होंगे भाई देखिए इस तरह समझिए डायलैक्ट्रिक है तो वहां पर भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा और हम ये कह रहे हैं कि वहां पर भी कोई करंट अब यहाँ चार्ज वो जो करंट के फ्लो के लिए जरूरी चार्ज होते हैं उनको हम यहाँ पर जीरो मान रहे हैं तो वहां पर भी आपके पास कंडक्टिंग चार्ज नहीं है जो कि करंट के फ्लो के लिए जिम्मेदार होते हैं तो जे जीरो होगा रो जीरो होगा लेकिन एक खास बात समझें चूंकि मटेरियल अब फ्रीज मटेरियल की बात हो रही है फ्री स्पेस की बात नहीं हो रही है तो फ्री स्पेस में तो हम फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी जैसे थी फ्री स्पेस की क्या प्रॉपर्टी थी उसकी परमियाबिलिटी नॉट था उसकी परमिटिविटी एप्सेलनॉट थी इनका यूज कर रहे थे लेकिन जब मीडियम के अंदर आप जाओगे तो आपको मीडियम की परमिटिविटी और मीडियम की परमियाबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में हम कुछ और एडिशनल से टर्म देखेंगे जैसे तो डी वैक्टर डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं इसको कैसे डिफाइन करते हैं अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एप्साइलिन एप्सैलिन क्या है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम उस डायलैक्ट्रिक की बात है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ही आप एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी टर्म को डिफाइन करोगे जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन को परमियाबिलिटी के साथ मल्टीप डिवाइड करने से मिलेगा तो आपकी क्वेश्चन डेल डॉट ई जीरो क्योंकि रो जीरो है डेल डॉट बी जीरो जो कि थी ही डेल क्रॉस ही डेल बी बाई टी फेराडे लॉ कोई चेंज नहीं होगा चेंज कहाँ आपको दिखाई पड़ेगा मॉडिफाइड एम्पियर लॉ में तो डेल क्रॉस बी है म्यू एपसाइलेंट डेल ई e बाई टी है तो पहले म्यू नॉट एप्सेलेंट नॉट था आप देखो यहाँ पर यहाँ पर म्यू नॉर्ट एप्सेलेंट नॉट था लेकिन अब मीडियम की बात हो रही है तो यहाँ पर म्यू एपसाइलेंट डेल ई e बाई टी ऐसे ही डेल क्रॉस बी जो होगा अब अगर आप इस म्यू को यहाँ डि भेज दो और एपसेलन को ई के साथ भेज दो तो एप्सेलन को ई e के साथ भेजा डी का व्यवहार हो गया म्यू को डिवाइड कर दिया तो बी बाई म्यू एच बन जाएगा तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर लॉ विच इज यूजफुल फॉर द मटेरियल केस अगर आप डायलैक्ट्रिक मटीरियल की बात करते उस केस में ये इंपॉर्टेंट होता है ओके सो दिस इज द पार्ट एक फर्स्ट पार्ट है हमारा जिसमें कि हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ा डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू देखी कंटिन्यूटी इक्वेशन देखी ये सारी चीज़ें देखी अगला पार्ट जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इस सारी इक्वेशंस का इस्तेमाल करके मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रपोज़ की फिर उसकी उसके ट्रांसवर्स नेचर कैसे होता है फिर उसका एनर्जी प्रोपोगेशन कैसा होता ये है ये सारी चीज़ें फिर हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे ओके सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय बाय